बिजनौर के चांदपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान की 5 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने इन संपत्तियों को उनकी अचल संपत्ति बताया है। पिछले साल उन पर लगे मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। चांदपुर तहसीलदार ने पुलिस की निगरानी में 5 संपत्तियों को कुर्क किया। इसमें ईंट भट्ठा, भट्टे के पास की जमीन, गांव ताहरपुर की कृषि भूमि, कस्बे में एक प्लाट व खानपुर खादर की कृषि की जमीन बताई गई है। कुर्क की गई संपत्तियों की रकम करीब 2,40,00,000 से अधिक आंकी गई है। शेरबाज पठान ने बेवजह परेशान करने की बात कही है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बिजनौर से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान का निवास स्थान है। यहां चांदपुर नगर पालिका से उनकी पत्नी जीनत शेरबाज पठान पालिका अध्यक्ष हैं। पालिका चुनाव के बाद से उनकी परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पालिका चुनाव के बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी है। सर, आज ये क्या मामला है ग्राम नानोर में जो ये संपत्ति कुर्क की जा रही है, इस संबंध में आप बताएंगे? जैसा कि आप अवगत हैं कि जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से धारा 14(1) के तहत मुकदमा 2 जनवरी को डिसाइड हुआ और उसमें शेरबाज पठान उनके विरुद्ध उनकी जो अचल संपत्ति हैं जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर में 5 जगह स्थित हैं, जिसमें ईंट भट्टे, प्लॉट और कृषि भूमि भी है, और उनको राज्य सरकार के पक्ष में सीज किया गया है और इसके रिसीवर तहसीलदार चांदपुर को बनाया गया है।